ओके okay, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इस सीरीज़ में क्या करने जा रहे हैं हम मल्टी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं इस सीरीज़ में ओके okay, तो मैं अब आपको सारे पार्ट्स एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमने अब तक क्या किया है और हम आगे क्या करने जा रहे हैं ओके okay, तो सबसे पहला पार्ट था पार्ट ज़ीरो जिसके अंदर हमने ये ओवरव्यू लिया कि बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट और मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या फ़र्क है तो बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट में जो हमने उस टाइम किया कि बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट में सिर्फ हमारे पास यूज़र और क्लाइंट था बेसिक ई कॉमर्स सीरीज में ओके यूज़र और यूजर और वेबसाइट में स्टेट में इंट्रैक्शन होती थी ओके तो मल्टी वेंडर कॉमर्स वेबसाइट में हमारे पास वेंडर्स भी आए तो वेंडर्स एक न्यू टर्म हमारे पास मल्टी वेंडर कॉमर्स वेबसाइट में आई ओके तो हम मल्टी वेंडर कॉमर्स वेबसाइट में वेंडर्स को भी मतलब पिक्चर में लेकर आए हैं ओके तो फिर क्या हो रहा है तो वेंडर्स प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं हमारी वेबसाइट में और यूजर्स उन प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं तो ये एक प्रोसेस है जो हमने इसमें मल्टी वेंडर वेबसाइट में करना है जिसके साथ वेंडर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और यूज़र्स उन प्रोडक्ट्स को बाई करेंगे जैसे कि अमेज़ोन वेबसाइट में हम देखते हैं ओके तो ये पार्ट जीरो में हमने इसको रिव्यू किया ओके तो हमने सारे स्टेप्स हमने एक्सप्लेन किए स्टेप्स हमने जाने तो ये क्या है स्टेप जैसे मैंने आपको बताया कि वेंडर रजिस्टर करेगा वेबसाइट के अंदर ओके okay. मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ यहाँ पर एक न्यू स्क्रीन मैं ले लेता हूँ ओके न्यू पेज ओके तो इसमें क्या होगा स्टेप टू स्टेप हम अगर देखें मल्टी वेंडर वेबसाइट में हमारे पास क्या है तो इसमें सबसे पहले एक तरफ है वेंडर और ए वेंडर्स और एक तरफ़ है यूजर्स और एक तरफ हम कहें एडमिनस या एडमिन ओके तो वेंडर्स जो से हैं वो साइट में रजिस्टर करेंगे ओके और रजिस्टर करेंगे रजिस्टर करने के बाद जो एडमिन है इन वेंडर्स को अप्रूव करेंगे ओके ये ये अप्रूव होगा अप्रूव बाय एडमिन ठीक है तो अप्रूव एक बार किया तो वेंडर क्या करेंगे ऐड करेंगे प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे अपने शॉप के अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट में ठीक है तो यूज़र्स उन प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे बाय करेंगे बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेंडर्स ठीक है तो एडमिन का रोल क्या होगा एडमिन एडमिन वेंडर्स को अप्रूव करेगा एडमिन आ, ये जो प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे वेंडर्स उनको अप्रूव करेगा तो अप्रूव करने का प्रोसेस एडमिन के पास होगा एडमिन या सब एडमिन या सुपर एडमिन ओके okay? तो और एडमिन वेंडर से कमीशन भी लेगा ओके okay? एडमिन वेंडर से कमीशन लेगा हर ऑर्डर की कमीशन लेगा ओके okay? और पेमेंट्स भी लेगा और पास भी करेगा वेंडर्स को तो ये सब प्रोसेस एडमिन के पास होंगे तो ये एक मल्टी वेंडर कॉमर्स वेबसाइट है जो हम करने जा रहे हैं आ, हम इस लारावल नाइन में ओके तो आ, अब फिर फर्स्ट वीडियो में हमने लारावल नाइन इंस्टॉल की हमने देखा कि जैम पहले सबसे पहले जैम इंस्टॉल करना है उसके बाद कंपोजर इंस्टॉल करना है और मेक श्योर sure करना है जैम्प आपका पी एच पी एट सपोर्ट हो ओके तो हमें पुराना जैम नहीं चाहिए नया जैम वी वांट दी न्यू जैम ओके तो जैम इंस्टॉल करके कंप्यूटर इंस्टॉल करना है और लाराम नाइन में करना है तो ये बहुत विंडोज़ का भी हमने सीखा इवन मैक का भी हमने सीखा वैक में भी प्रैक्टिकल किया विंडोज़ में भी प्रैक्टिकल किया तो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो विंडोज़ वीडियो की वीडियोज़ वाच करिए मैक हैं तो मैक की वीडियोज़ वाच करिए तो ओके तो ये आ, अब हमारा इंस्टॉल हुआ हमने इंस्टॉल किया तो ये हमारा फोल्डर है प्रोजेक्ट का हम इसको रन करते हैं मेरा जैप ऑलरेडी इंस्टॉल है पी एच पी इसको रन करते हैं और हमें जितना एडमिन हमने तैयार कर रखा है हम उसको भी रन करते हैं ठीक है हमने लॉगिन पेज तक तैयार किया है ओके तो हम इसको रन कर पा रहे हैं तो उसके बाद ये सेकेंड वीडियो में हमने डाटा बेस क्रिएट किया पी एच पी आर्टिस माइग्रेट कमांड चलाकर डिफॉल्ट लॉगिन रजिस्टर बनाया और उसके बाद इंस्टॉल हमने ब्रीज पैकेज इंस्टॉल किया और नोट जे एस भी इंस्टॉल किया ओके तो उसके बाद हमने लाइव सेशन लिया जिसमें हमने फिर से एक्सप्लेन किया ये बेसिक ई e कॉमर्स और मल्टी वेंडर ई कॉमर्स में क्या फ़र्क है देखो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें सिर्फ यूज़र और क्लाइंट इन्वॉल्व हैं और कोई इन्वॉल्व नहीं है इधर वेंडर्स यूजर्स और क्लाइंट सभी आ, सभी इन्वॉल्व हैं ओके और आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमने एडमिन पैनल बनाना स्टार्ट किया जिसमें हमने सबसे पहले डाउनलोड किया एडमिन पैनल और मर्ज प्रोसेस स्टार्ट किया तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ हमने इसका जो एडमिन इंस्टॉल किया है वो किस तरह का है डाउनलोड्स में जाकर और इधर ये स्काई डैश हमने एडमिन यूज़ किया है इसके लिए और मैं आपको एक बार इसका लेआउट दिखा देता हूँ ये इस तरह का एडमिन है जो हमने मर्ज किया ओके तो इसको मर्ज प्रोसेस हमने पूरा हमने इसमें आ, सारे फोल्डर्स बनाए और एडमिन और फ्रंट के फ़ोल्डर हमने अलग अलग रखे जिसमें हमने कंट्रोलर्स के अंदर एडमिन और फ्रंट बनाया हमने अभी एडमिन में काम स्टार्ट किया है तो एडमिन कंट्रोलर बनाया एक तो हमने कुछ मॉडल्स भी बनाए मॉडल्स मैं आपको दिखा देता हूँ एडमिन मॉडल बनाया हमने यूज़र मॉडल पहले से ही था हमारे पास वेंडर मॉडल बनाया हमने ओके तो हमने रिसोर्स के अंदर भी दो फोल्डर बनाए एडमिन और फ्रंट का फोल्डर और हमारा काम एडमिन में चल रहा है एडमिन में लेआउट का फोल्डर बनाया फूटर हैडर साइड बार लेआउट तो ये हमने एडमिन में किया है काम ओके okay, तो अब आ, उसके बाद हमने डैशबोर्ड पे पेज बनाया और लॉग इन पेज बनाया और इसके साथ हमने पब्लिक का फोल्डर बनाया और पब्लिक के फोल्डर के अंदर आप चेक कर सकते हैं हमने ये जे एस सी एस एस सॉरी ये एडमिन का फोल्डर और फ्रंट का फोल्डर फिर बनाया हमने पब्लिक के अंदर तो एडमिन के अंदर हमने जे एस इमेज सी एस एस और फोनस का फोल्डर हमने कॉपी किया टेम्पलेट से और ये सारा हमने यहाँ पर रखा है और उसके बाद हमने पाथ वगैरह सब आ, हमने इसमें लगाए हैं मैं एक बार खोल लेता हूँ इसको सोर्सिस व्यूज लेआउट आपको खोल कर मैं दिखा देता हूँ इसमें डैशबोर्ड और फ्रंट ये है एडमिन लेआउट ओके तो ये हमने सारे पाथ सेट किए हम यू यूज़ करते हैं इस तरह से लारावल के अंदर पाथ सेट करने के लिए यू के अंदर इंक्लूड करते हैं ओके okay. तो इमेज़ के लिए हमें सेट यूज़ करना होता है तो ये हमने सब सेट किया तो आ, तो ये हमने एडमिन टेम्पलेट मर्ज किया तीन वीडियोस के अंदर लॉगिन का भी मर्ज किया ओके okay. तो उसके बाद हमने मल्टी ऑथ पे काम शुरू किया जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरह से हमें गार्ड्स यूज़ करने हैं एडमिन और वेंडर्स के लिए और और हमें हमें डिफॉल्ट वेब ऑथ यूज़ करना है यूज़र्स के लिए ओके तो हमने टेबल स्ट्रक्चर भी बनाया है और टाइप्स हमने समझे कि टाइप्स ऑफ एडमिन जिसमें सुपर एडमिन एडमिन सब एडमिन और वेंडर्स हम सारे टाइप्स हैं एडमिन के हमारे लिए ओके जिसके लिए हम गार्ड यूज़ करेंगे तो हमने इसके अंदर एडमिन वेंडर्स के लिए गार्ड यूज़ किया और यूजर्स के लिए डिफ़ॉल्ट ऑथ किया जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है ओके तो आ, तो ये राउट्स देखिए हमने फ्रंट राउट्स और एडमिन राउट्स अलग से रखे हैं हम ये वेब के अंदर जाकर आप चेक करिए इसके अंदर एडमिन राउट्स यहाँ पर हैं ओके फ्रंट के लिए अलग से बनेगा और हमने मिडलवेयर बनाया एडमिन के लिए तो जो हमें राउट्स अनऑथोराइज असैस से बचाने हैं कोई भी डैशबोर्ड बोर्ड असेस नहीं कर सकता आप चेक कर सकते हैं कि इसमें आप अगर डायरेक्ट खोलने की ट्राई करोगे तो डैशबोर्ड नहीं खुलेगा ओके okay, तो आप देख सकते हैं डैशबोर्ड नहीं ओपन हो रहा तो इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा और ये हमने इसके लिए एडमिन मिडलवेयर बनाया uh, कुछ स्टेप्स हमने लिए एडमिन मिडलवेयर बनाने के लिए तो आप वो एक बार चेक कर सकते हैं Okay. तो आ, अगर हम करेक्ट डिटेल्स भरेंगे तो ही हम लॉग कर सकते हैं तो ये हमने सीखा इन दस वीडियोस में कि इसको इस तरह से करना है ओके okay. तो ये है आ, वापस जाकर एक बार फिर चेक करते हैं तो ये सब हमने किया तो टाइप्स ऑफ एडमिन हमने सीखे एडमिन लॉगिन लॉगआउट बनाया इंसर्ट एडमिन रिकॉर्ड भी लारबल सीडर एक रिकॉर्ड हमने एडमिन का इंसर्ट किया लारबल सीडर के साथ सुपर एडमिन का रिकॉर्ड जो हमें इसी तरह से करना था क्योंकि वो वन टाइम टास्क था वो हमने किया उसके बाद हमने एडमिन लॉगिन किया गार्ड के साथ लॉगआउट सीखा किस तरह से करना है देखो एडमिन लॉगिन किया और यहाँ पे हम यहाँ से आउट भी कर सकते हैं ये हमने किया ये हमने सीखा कैसे करने का ओके okay? तो लास्ट स्टेप है जो हमने लास्ट टेंथ वीडियो में किया वैलिडेशन लगाई हमने यहाँ पर अगर आप रॉन्ग डिटेल्स भरोगे तो ये एस टी एम एल फाइव के अलावा मतलब हमें सर्वर साइड वैलिडेशन लारावल वैलिडेशन सीखी हमने तो ये भी हमने टास्क टेंथ वीडियो में हमें पूरा किया ओके okay? तो आ, तो ये हमें सारा हमने ये दस ग्यारह वीडियोस में हमने इतना ही किया है और आगे आने वाली वीडियोस में हम अब डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करेंगे जिसके अंदर हम चेंज पासवर्ड और वेंडर्स के भी फीचर्स ऐड करेंगे हम ओके तो इसके अंदर हमारा ये सारा लेफ़्ट साइड बार अपडेट होगा इसको डैशबोर्ड को अपडेट करेंगे अनवांटेड कोड को हम रिमूव करेंगे ओके तो वेंडर्स का मॉड्यूल होगा जिसमें जिसमें हम वेंडर की डिटेल्स और शॉप्स भी होंगी वेंडर्स की तो बहुत कुछ अभी हमें करना है तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सारा कुछ करेंगे और स्पीड अप करेंगे ओके okay? तो uh, मैं uh, आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ हैं और अगर कुछ आपको क्लियर नहीं होता देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम ओके तो uh, uh, यही है इस वीडियो में मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो सॉरी फॉर दैट एंड आई होप दैट यू विल नो एवरीथिंग एंड यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी इश्यू एट योर एंड ओके तो दैट्स ऑल फॉर नाउ हैव नाइस ना गुड बाय